नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपण माने देखुचंती भूत रेडियो ए हॉरर पॉडकास्ट संग माने आजर कहानी आम नीतिदिनिया कहानी तारो टिके भिन्न अटे एही कहानी टिको आमे गोटे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रु सुनिबा कहानी रा लेखक अरविंद रथ मते एही कहानी टि बहुत प्रभावित करिछि आशा करूछि ए आपणक मन को भी बहुत मनोरंजन करिवो कहानी आरंभ करबा अगुरु आउ एक कथा कहि रखुछि देखंतु जो माने व्हाट्सएप रे स्टोरी सेंड करुचंती दया करी एटलिस्ट पांच पेज रो स्टोरी भली छाड़तु कारण दुई तीन धाड़ी रो स्टोरी केही भी सुनिबा को इच्छा करिबे नाही आउ हां जदी आपनक पाखरे कोनोसी काल्पनिक स्टोरी अछि एही स्टोरी परी ताकु भी आपन छाड़ी परिबे किंतु सेटा को अन्य चैनल लु कॉपी न होइतिबा दरकार तो चलंतु आउ देरी न करी आरंभ करिबा आजरो एपिसोड भूतप्रेत उपर चलिथिबा आलोचनाटा बेळकु बेळ गंभीर होई चलिथिला दुई सांग अमित और राजू बसी परस्पर भितरे जुक्ति तरुक लगाउ थांती ओ परस्पर को भूल प्रमाण करबा पई चेष्टा करू थांती राजू मतरे भूतप्रेत कोनसी मनगडा कहानी नुहे से एहाकु प्रमाण करबा पई तार मुंड भितरु सबु जक भयानक भयानक अनुभूति को बाहर को काढी अमित आगरे फोपाडु थाए अन्य पक्षरे अमित सीधा मुंड हल्लाई राजूर कहानी गुडी को मिछ ओ भूतप्रेतर अस्तित्व को नाकारी दौथाए शेषे अमित किसी कथा नपाई राजू को पुराणा कालिया लोक कही थटा करने को लगला चुक्ति को क्रमगत भाव बढ़िबार और दुई सांग को गरम होबार देखी मनोज तार सीट्रे उठी जाई कहला आरे भाई से थाउ एत दिन पर आम समस्त देखा साक्षात हो खियापिया कर मजामस्ती करवा कौन तुम्हें दुटा छुआ पर जुक्ति करुच तुमर से भूतप्रेत कथा से रखी चल कौन दुटा खाई आसवा पूरा राती पड़ी तापरे तमे माने जेते बाड़ापिटा हाबा कथा हेबो राजू कथा शेष करिबा पई आह्वान दे कहिला अमित जदि तो कथा रे एते दम अछि भाबुजु ताले आज रात्रे एकुटिया से बत्ती घर को जाई कि देखा तापरे तू जा कहबु मु सैया करबा को प्रस्तुत किछि समय चिंता करी अमित कहिला एही गोटिए कथा बत्ती घर कोन तू कहबु जदि मोसाणी रे भी गोटिए राती रही कि आसीबि कौन भावुचु मते तू कॉलेज पढ़ा दिन ठार् अमित राजू और मनोज तीन जन थे घनिष्ठ बंधु पाठपढ़ा सरवापर समस्ते निज निज सहर को फेरी निज निज काम जोगदान देते राजू और अमित दुईज अत्यंत सफलकार व्यवसायकारी किंतु मनोज एक प्राइवेट कंपानी में फसी रहीगला कॉलेज छाड़ पर प्रत वर्ष से थे गेट टुगेदर मान बंधु मिलन होता है से अवसर से परस्पर जीवन विषय अधिक चर्चा करती बेस मजा और खियापिये समय कटे समस्ते निज निज काम व्यस्त रुहती कहीं क्या विषय जानवा को क्या टी समय भी मिले ना से तीन जन यही बंधु मिलन दिन को वर्ष सारा अपेक्षा कर रही था एथर समस्त आयोजन दायित्व मनोज को दि जा मनोज बाछी से ही पुराणा स्थान जहाँ कलेज पढ़ा समय सेमानक पाई आकर्षण केन्द्रबिंदु थिला सहरर जनगहली ठारु बहुत दूर रे समुद्र कूल बती घर लाइट हाउस बती घर पाख को लागी गोटे बहुत पुराणा डाक बंगला मध्य थिला मनोज गेट टुगेदर पाई से ही पुराणा डाक बंगला को बाछी दुई सांग जत बले ए जागा मानंकर नाम शुणिले सेमाने उत्साह और अनेक अभुला स्मृति रे भरी उठिले सेमाने सेठारे पार्टी को नहीं बहुत एक्साइटेड थिले अतीतर यह बती घर थिला सेमानक पाई बुढ़ी असुरुणी गल्पमाला पेड़ी परी घन अंधार रे दूरर बती घर टी एक भयंकर विशाल दानवर पथर मूर्ति परी दृश्यमान हुए तार आखिरे जलुवा से ही पुराणा कालिया लाइट पूरा समुद्र कूल को आलोकित करिथाए बती घर टी साइते रखी अनेक अकुहा और गोपन कथा जंत्रणार केते जे चित्कार चुपचाप शुणी यही बती घर तार हिसाब बाहर अगणित आत्महत्या नारी धर्षण परी जघन्य घटना बलीर साक्षी अच्छी बती घर लोक कहती से बती घरे अनेक अतृप्त रक्त पिपासु आत्मा मैंने घूरी बुलंती जदि जड़े सुस्थ मस्तिष्क व्यक्ति सेठारे भूल भी पाद रखे ताले ताकु बेसी समय लगभग पगल होगा प्रथम से मैंने दोषी को मानसिक पीड़ा द्वारा भांगिदेवे तापर आत्महत्या करने को कान पाखे फुसुर फुसुर हे जदि या मध्य बची जाए ताले से हाथ रक्षा पाइबा असंभव अल्प बयस तीन सांग लोमो टांकुरा परी दृश्य से ही बती घर पाखे देखिथिले
ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତି। ଏହି ଡର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ଘର କରି ରହିଛି ଓ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ବିଲକୁଲ ବି ବଦଳି ନାହିଁ। ରାଜୁ ମନରେ ଭୟର ମଞ୍ଜି ବହୁତ ଆଗରୁ ପୋତା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏବେ ସେ ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ବାକି ରହିଲା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ତାହାର ଅବସ୍ଥା ବି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୟନୀୟ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ବିରାଟ ସୁନସାନ ଚାରିକାତ ଭିତରକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିନଥିଲେ। ଏକଥା ତାହାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣି ହେଉଥିଲା। ଛାତ ଠାଏ ଠାଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅଗଣାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବରଗଛ, ଯାହାର ବୟସ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ରାତିରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବତୀ ଘରର ଆଲୋକ ସମୟ ସମୟରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ହାଲୁର କରିଦେଉଥାଏ। ତିନି ସାଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ବି କହିହେବନି। ବଖରା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା କାଠ ଖଟର ଗୋଢ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଢ଼ରେ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରଖା ହୋଇଥାଏ। କାନ୍ଥ ପାଟି ବଡ଼ ଆଁ କରିଥିଲା। ଆଲମାରୀର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଉଈମାନଙ୍କର ବସା ଥିଲା ସେଟା। ଭଙ୍ଗା ଟେବୁଲ ଉପରେ ତିନୋଟି କାଚ ଗିଲାସ ଓ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ସଜା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମନୋଜ କହିଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ହିଁ ହୋଇପାରିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଅମିତ ଓ ରାଜୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଖାଇବା ଓ ମିନେରାଲ ୱାଟରର ପେଟି ଆଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା। ଶୀତରାତିକୁ ମଜାଦାର ଓ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋତଲ ପାଖରୁ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନୋଜ କରିସାରିଥିଲା। ଆଲିସାନ ଦାମୀ ହୋଟେଲକୁ ମନେ ନ ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଗ୍ରହ ନେଉଥିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଢେଉ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଶୁଭା ଯାଉଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ଝରକା ଫୁଟାରେ ବତୀଘରର ଗୋଲ ଗୋଲ ବୁଲୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମଛୁଆରମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ରାତିରେ ସୁନସାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ସକାଳୁ କୂଳକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନରେ କେବେ ବି ଏକଥା ଆସିବନି ଯେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ବସି ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅମିତ ଓ ରାଜୁ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଓ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ମୋଟା ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନୋଜ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେ କଥା ଆଗେ କୁହ, ତାପରେ ସେ ଭୂତପ୍ରେତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏତେଦିନ ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାହାର ହିସାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆସିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉ ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଅମିତ ଥଟା କରି କହିଲା, କାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି, ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ଭାବିଲୁ, କ'ଣ ତୋ ମାଲିକ ତୋତେ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ମନା କଲା ନା କ'ଣ, କହିବୁ ଯଦି ତାକୁ ପାନ ଦେବି, ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ହୋଇକି ଏତେ ଫୁଟାଣି, ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି 10ଟା କମ୍ପାନୀ କିଣିଦେବ, ତତେ କହିଲି ତୁ ମୋର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କର, ତୁ ତ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ନା ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମନୋଜ ମୁହଁ ହାଣି କହିଲା। ତେବେ କ'ଣ ସୁବିଧା କହୁନୁ, ଯଦି କହିବୁ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ମ୍ୟାନେଜର କରିଦେବି, ଆରାମରେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ମୋ କାଗଜ କଳରେ କାମ କରିବୁ ଯଦି କହ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେବି, ରାଜୁ କହିଲା। ତାପରେ ମନୋଜ କହିଲା, ଭାଇମାନେ ତୁମେ ହେଲ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବନ୍ଧୁତା ରହିବ ତ, ଯାହା ପାଖରେ ବି କାମ କରିବି କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ରହିବି, ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ନୁହେଁ, ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ନିହାତି ଜଣାଇବି, ତୁମେ କୁହ ତୁମ ଖବର କ'ଣ। ଅମିତ ଓ ରାଜୁ ନିଜ ନିଜର ଧନ ବ୍ୟବସାୟର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ମଦ ନିଶା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଗପି ଯାଉଥିଲେ। ଅମିତ ଟିକେ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ପଚାରିଲା, ଆରେ ମନୋଜ, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ। ହଁ, ତତେ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତୋର ସେ ପୁରୁଣା କାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ ନା କ'ଣ। କାଇଁ ନାଇଁ ତ, ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବାଟରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମୋତେ ଆଣି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଆଜିର ଆୟୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ବା ମୋ ଉପରେ, ଅବହେଳା କେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ମନୋଜ କହିଲା। ଆବେ ମନୋଜ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ଆମ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଖାତିର ତୋ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯିବ, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ କୋଟିପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ତୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ସହ ଏ ଗୁହାଳ ପରି ଜାଗାରେ ରାତି କଟାଉଛନ୍ତି। ଯା, ତୋ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା, ମଦ ନିଶାରେ ଆଖି ଲାଲ କରି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲା ରାଜୁ। ମନୋଜ ନିରବରେ ବସି ସବୁ ଢୋକି ଦେଉଥାଏ।
कथार मंग बुलेबा को निजो आड़ कहिला मनोज। हाँ रे सांग, तू जहा कहलु सत, किंतु भूतप्रेत मानकु नै तुमे जहा कथा होतुल से विषय रे किछि अभिज्ञता अछि ना खाली सेमिति गपुथुल? भूतप्रेतर नाम शुणी राजुर आखिर आग्रह झलक देखागला। निजकु प्रस्तुत करि से कहिला, मनोज मो भाईटा परा, तू टिके अमित को बुझा, से कहुची भूतप्रेत नहांति, जदि नहांति ताले से बतीघर को जाकि यह प्रमाण करू। अमित कहिला, जीवि मु अल्बत जीवि, को भूत कि ता बापा मोर किछि करि पारिबनि। तुम्हें दुई सांग साखी रहिल, जदि मु बतीघर को जाकि फेरी आसिली ताले तो कागज कलटा मो नारे करदेबु, जदि हाँ कहबू ताले मु सांगे सांगे जीवि। राजू आखि उपरकु करि किछि समय भाविला। कागज कल राजू भात हांडी कहिले भूल हेबो नाही, सबुठारु बेसी रोजगार हुए सही कागज कलरु। अमित एक भल से जाणीचे, तेणु से एपरी सर्त रखिथिला। अन्यपक्ष राजू मनरे अमित प्रति बढ़ी चलिथिबा ईर्षार भाव। खूब कम समय भितर अमितर व्यवसाय उन्नत देखि राजू सही पारु नथिला। राजू मन भितर चाहूला अमितर क्षति हो, जदि भूतर अस्तित्व प्रमाण करने अवसर में अमितर किछि हो जाए ताले ताकु टक्कर देबाकु आउ ता रास्तारे केही भी नथिबे। आग पछ न भाबी राजू कहिला, बस एतिकि कथा, तू बती पाखकु जाइकि फेरि आस, कागज कल तोर, किंतु जदि तू विफल हेउ। अरे मु विफल हेले मो लाश को नहीं घरे पहुँचाई देबु आउ कौन, हसिकि कहिला अमित। किछि समय परे अमित पाद टळमळ करी हातरे गोटे लंठन धरी आगे चलिला बती घर आड़कु। मनोज देह खराब लागुची कही खट उपरे टेबुल पाखरे बसी रहिला और राजू अमितर प्रतिटी काम को तदारख करने दूरु समुद्र कूल जगि रहिला। से दिन रात्र भीषण शीत पड़ता है, समुद्र कूल कुहुड़ी जमाट बांधि देहरे पिटी होता है। अमावास्यार रातिर घन अंधकार, आकाशे चिकमिक करुथांती तारा माने, बेलकु बेल समुद्र अशांत हो उठु थाए और उच्चा लहरी माने बाली उपरे भीषण शब्द करी नृत्य करुथांती। राजू एक लयरे अमित को ताठारु दूरकु दूरकु बती घर दिगरे चली जिबार देखु थाए। हृदय भितरे समुद्र रे थिबा माछ परि कलबल हेबा आरंभ कर देथिला। अमित को निसारे सही बती घरर अतीत कथा किछि मने पड़ु नथाए। निर्भयरे से पाद टळमळ पकाई थंडा पवन को चिरी बती घर आग को बढ़ु थाए। किछि दूरु से किछि देखिला, गोटिए छाया सदृश तागरे धीरे धीरे अग्रसर हेउचि। किछि क्षण रही से भाबिला, ए निष्पब्ध राति रे एकला किए एठारे कौन करिबा को आसीचि, भाबिला होई परे चोर कि खंट होइतिबो, धीबर भी होई परे, से जे भी हेउ मोर कौन अछि, एहा मनरे कहि से आगे गला। भतीघर पाखरे पहुँची ता आखि बड़ बड़ होइगला, मन टिके दबिगला परे लागिला। भय पाइ नहे, पादठारु शीर्ष पर्यंत गोटे लंबा नजर बुलाई आनिला। बोपा माँ, एत गुड़ाए लंबा सीढ़ी मु चढ़ी केमी, से छाया से भी केउठारे दृश्यमान होना, निश्चय से कौन सी चोर होइतिबो, सेतेपाई से मते एठारे देखी कौटी लुचि जाइछि। तापरे अमित फोनी भाविला, गोटे मिनिट काई राजू मोर पीछा करी नाही तो, ए सबू तार चाल होई परे, पछुरु बार करिबा तार प्रकृति, बाहरे सांग परी कोमल कथा कहिले कौन हेबो, भितर से गोटे पशु भली, सबुबले से मते तळकु टाणीबाकु चेष्टा करिछि। अनेक व्यवसायी माने तार कांड विषय चर्चा करिथांती, जदि मु जीति जाए ताले कागज कलटी मो नारे होइजिबो और राजुर गर्व माटी रे मिसिजिबो। यापर गोटे सेकेंड जाइनी अमित भाविला, ना राजुर एते कलेजा नाही, से मो पीछा करी करी एठाकु आसी पारिबो। एहा सहित अमित प्रथम पहाच चढ़ला। प्रथम पहाच चढ़ीबा परे ता शरीर रे कंपन सृष्टि हला। मन पड़गला अतीतर एक गोपनीय कहानी जहाँ हृदय गर्भरे केजाणी केते वर्ष होला लुचि गुप्त भाव रही। कॉलेज रे पढ़ा बेले नीति नामक एक सुंदर झील को अमित तार प्रेम जाल में फसाई लोक आलोचनार दूर बतीघर कांत भितर तासह प्रेम संपर्क बनाईला। यार किछि दिन पर नीति गर्भवती बोली जानिबा परे ताकु विवाह प्रतिश्रुति स्वप्न देखाई डाकिथिला एही बतीघर को। मथारे सिंदूर दे समुद्र मनोलोभा दृश्य देखाई थिला। अनेक भविष्यत पाई प्रतिश्रुति अमित ताकु देइथिला,
बड़ बड़ कथार हजि जाइथिला नीति। स्वप्न दुनिया भितर से बास्तव को फेरवा आगर ताकू धक्का मारे ठेली देइथिला एही बतीघर छातरु। घटनार परदिन कॉलेज रे चाडिया रे प्रचारित होला कि जणे झियो बतीघर रु डेई आत्महत्या करिछि। ए खबर शुणी कॉलेज रे अनेक छात्र छात्री माने बतीघर को आसीथिले। सेमानको भितर कुंभीर कांदणा कांदी कांदी अमित भी आसीथिला। से नीति को कोलरे धरी लोकंको आगरे बहुत कांदीथिला। परे जणा पड़िला मृत्यु बेलकु नीति गर्भवती थिला। निज उपर दोष हटाइबा लोकों संदेह मोड़ बदलाइबा नीतिर चरित्र उपर लोकंकु भलमंद कथा प्रचार करथिला अमित। नीति को कुआडे एक रु अधिक पुओं सह कॉलेज रे शारीरिक संबंध रखिथिला। लोक माने भल अपेक्षा का विषय खराब शुणा को बेसी पसंद करती एक अमित आगर जाणीला। यापर समस्ते नीतिर चरित्र उपर आंगुठी उठाइले और अमित दागहीन होगला। कहीं भी यह भावे चेष्टा कले नीतिर मरण गोटे हत्या भी होपे। एक सबू मन पक अमित छाती को चौड़ा कर गर्व करुए केते सहजरे से पुलिस और लोकों आगे गोटे निरीह निर्दोष झील को दोषी चरित्रहीन प्रमाण कर। अचानक कहार डाक शुणी अमित अतीतर बाहरी आसला। से चमकी उठिला किए किए बोली चित्कार छाड़िला किंतु ताकु कौनसी उत्तर मिलिला नहीं। लठण मुंड उपरकु टेकी चारियाडे नजर बुलाई आनिला ना केही नाती एठी। तापर से पुणी भाबिला एमिती डाको सुनिबाटा नुआ कथा नुहे। नीति को हत्या करिबा परठारु से एहाकु अनेक थर सुनिचे। एमिती आहुरी अनेक चित्कार नीति ताकु शेष थर पई कहिथिला तुम्हें एत बड़ विश्वासघातकता मु भाभी पारुनी अमित मो जीवन को तुम्हें बर्बाद करदेल मत मारिदेल जदि कथा सरीगला भावुच ताल तुम धारणा भूल मु फेर भी निश्चित और प्रति लुहर हिसाब नेबी। कथा सरवा पर नीतिर मृत शरीर हठात अमित खसी पड़ा। अमित घरे अनेक थर देखी नीतिर छाय रूप किंतु यह दुर्बल मनर प्रतिफलन भावी से सबुबले तार मन को साहस देची। एमिती अभ्यास हो सारी सेठे हसवा को लगला एठी यही निकंचन स्थान रे किए नाम धरी डाकुची तेबे कौन नीतिर आत्मा ना हो न पारे असंभव। थर थर पादरे से गोटिए परे गोटिए पहाच अतिक्रम कर चलता ताकू तार शरीर असामान्य भावे गति करुची अनुभव है सते जमी गोटे पवन शक्ति ऊपर को टाणी नहीं जाऊँगी। मने मने भाविला आउ आग को नजा बंगला को फेरीजी राजू को कह भी मुझ बतीघर उपर फेरी से बा कौन जानव से डरुआ बतीघर पाख को आसवा प्रश्न उठुनी। ठीक से तार नजर पड़ा एका छिंडा मंगलसूत्र उपरे कांथे गोटे लुहार कंटारे झुलुला सेटा। नीति बेक पिंधाई मंगलसूत्र कथा तार मन पड़ा आरे ठीक से हीपरी दिशुची एटा ना यह असंभव पाखर थिबा बस्तीर किए केत आसीथे और छाड़ चली जाइए यह जे नीतिर यार कौन ठोस प्रमाण ना। यह भावी अमित आग को बढ़ला प्रति पहाच अतिक्रम करिबा परठारु से डाक आहुरी स्पष्ट भाव शुभा जाऊला शब्दर धुनी पाखे आसुथाए। से द्वंद्वे थाए यह मद निशार प्रभाव ना दुर्बल मनर करामती आग को जीवा मूर्खामी हेब फेरी जीवा ठीक कौन मिल से बाजी भगवान जीत से यथेष से अटकी गला तल को ओह्लैवाई पछ को बोलला जमीती से पाद तल पहाच को बढ़ाई तार पाद रबर परी पूर्व पहाच को फेरी आसला सते जमीती तार पाद दुईटी तार नियंत्रण में बाहर से ओलटा पछुआ चलवाक लगला तल को जी बदल उपर को चलला। से चेष्टा कला पाद को अटकवाई किंतु विफल है से तार दुई गोड़ को धरी पकाइला किंतु एबे से शून्य घुसुरी घुसुरी पहाच उपरक जाऊ थाए। ए कौन कहार ठो ठो हसरे कान गिल फाटी जाऊ थाए चुड़ीर झुनझुन शब्द सह गुणुगुण गीत गाइबार आवाज भी शुभा जाऊँ समुद्रर भासी आसुवा थंडा पवन ता गाल चापुड़ा पड़ मार्च सते कण नीतिर आत्मा कबल से पड़ जा। एपटी बेलाभूमि राजू छेड़ा होई अमित्र लाचार आवाज शुणी मने मने खुशी होता है। से अजाणत बती घर बहुत पाख को चली आसी चेहरा उपरे गोटे सैतानी हस तार प्रकृत चरित्र को वर्णना करुच्छी
केतेबेले अमित बती घर उपर तळक पड़ से तार शब नहीं घर को फेर मन भितर आनंद थाए पछपटू कहार पाद शब्द शुणी चमकी पड़ा राजू पचर देखला गोटे बुढ़ा लोक ताकू कौन कहूँ लोकटीर मुह संपूर्ण देखा जाऊना छिंडा चादर मुह और देह को घोड़े रखी रागिक मोटा कंठरे कहला राजू अरे एत राति एटि कौन करुचु जापलाठू बाबू मो पैसाटा देलनीजे अरे की पैसा तोर पगलटा ना कौन मु ते जानी चिन्हनी कि पैसा देवी ते बाबू मत तुम्हें जानी मु परा माधव मो जमी जबरदस्त नहीं तुम कागज कल ठिया कल पैसा भी देलनी शेषे तुम कागज कल श्रमिक हो कम कली से मन शांति हलानीजे मो झी बोहूर इज्जत नेल मु आवाज उठाइबारु मो परिवार को गुंडा लगाए जाली पोड़ी शेष करदेल तार कंठ हठात बदली गला आखि पिंछारिबा ठारु कम समय भितर से बुढ़ा राजू कान पाखरे एबे मने पड़ा तो एई देख तू कौन करिचु आम मानंको सह एतिकी कही बुढ़ा से चादरटी को तल को खसाई देला ता देह पूरा जली जाइथिला मांस खंड खंड थोलो थोलो होई तले गली पड़ुची बुढ़ा पछुक छिड़ा होती आउ दुईटी नारी मूर्ति सेमानक मुंडरे गोटिए हेले भी चुटी नाही देहर प्रति अंगरु पोड़ा मांस खंड खंड होई खसी पड़ुची से स्थानटी पोड़ा मांसर गंधरे फाटी पड़ुला ओह कि विभत्स दृश्य तीनोटी छाया मूर्ति राजू को चारिपाखे घेरीगले और से चित्कार करी बाली उपरे टली पड़ा एपटे बतीघर उपरू समुद्र स्पष्ट भावे दिशुथाए अमित को दूर सहर से जलुवा आलोकमाला जुड़ुजुआ पोक पर दिशुता समुद्र मझे धीबर मानक धरवा डंगार आलोक पा भितर लुचि जाए ए दृश्य मनलोभा था किंतु अमित यहाँ उपभोग अवस्था न थाए कहार थंडा स्पर्श से पुणी चमकी उठला से चारिड़े बुलिकी देखला कहीं कड़े ना तेब नाम धरी डाकुला किए से पार्टी कर डाकिला अरे किए ये तमाशा लगे मु सांग थटा खेलनी कहूँ नहले ए बती घर उपर फिंगीदेमी अमित अति असहाय अवस्था चित्कार करिबा आरंभ कर सारी उपर से देखला तले तीनोटी छाय सदृश गोटे लोकर चतुर्पार्श्वे घेरिक रही लोक भाव से हाथ हल चित्कार कला हालुका पवन में दोहली गला अमितर शरीर आउ दुई पाद तार गोड़ खसवाक पुनर्बार से पछक घुंची आसला हाथ में लंठन शिखा लिभवा लिभवा उपर थाए तेल सरीज शीघ्र नहले समुद्र थंडा पवन ताक निश्चय लिभाई देव कही जड़े ता कान पाखे फिस फिस करला फिंगी दे मु तो सैया चाहू किंतु एथर तू पति घर उपर तलक जीव तेब जा जानपर फिंगा और फिंगा जावा भितर पार्थक्य कौन नीति तमे सब करुना उत्तर दियो अमित चित्कार करी कहू थाए मते एमिति कलबल कौन पाई करुच मु जानी मु तुम एकमात्र दोषी मु मारी तुमको कौन करी थांती मु पाखरे कौन सी द्वितीय बाट नथिला तुम्हें पर निजे मते कहिथिला तुमको दुष्ट पिला बेसी पसंद सब दोष तुम मते कौन पाई हैरान करुच ताजा रक्तर जुड़बुड़ एक नारी अमित्र आगे छिड़ा होगला ता मुह एते विकृति थिला कि कल्पना ठारु बाहर मुंड को हाथुड़ी पिटिले जमी खंड विखंड हो ठीक से हीपरी मुंड फाटी हाड़ बाहर को बाहरी आसीला आखि दुईटी रड़ निया परी जलु थाए समग्र शरीर थिला हाथ और पचा मांसर समाहार शरीर थंडा हाथ दुईटी अमित बेक आड़ को लंबी आसला ठीक सेतिका बेले प्रकट हेले सेई तीनोटी कला छाया जे किछि समय क्षण आगरु बेलाभूमि राजू को घेरीथिले मते रक्षा कर यह कही अमित तांको पाको को दौड़ी गला तापर से जहाँ देखिला ताकु विश्वास करी पारला नहीं से छाया तीनोटी मूर्त पोड़ा आत्मा थिले नीति ओ से तीन जन विकटल हसरे अमित्र कानगिल फाटी जिबा उपरे थिला रक्त गड़िबा आरंभ हो जाइथिला अमित कान को जाबड़ी धरी दूर को दूर चली जाऊ थाए चित्कार छाड़ू थाए सेमाने किंतु आउ पादे पादे आग को चली आसुथिले सेमानक ठोठो हसरे पूरा बती घर थरिबा को लागिला लागिला आज सब माटी रे मिसी जिबो
କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଅମିତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା। ତାର ନଜର ନୀତି ଓ ତା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଛାୟାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନର ଢେଉ ବାରମ୍ବାର ଅମିତର ଦେହକୁ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥାଏ। ଇଟା ଖଣ୍ଡି ଅମିତର ଗୋଡ଼ରେ ବାଜି ବତୀଘର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତଳେ ମୁନିଆ ଉଚ୍ଚା ନୀଚ କଚା କଳା ପଥର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେ ତଳେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା। ସତେ କି ତାହାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିସାରିଛି। ସେହି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ମନୋଜ ଛାତ ଉପର ଭଙ୍ଗା କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧସେଇ ପଶିଲା। ଆତ୍ମାମାନେ ଅମିତକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ମନୋଜ କବାଟ ପାଖରୁ ଡେଇଁ ଅମିତର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପବନରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ତିନି ସାଙ୍ଗ। କାହା ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରୁନଥାଏ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅମିତ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କିଛି ନ କହି ହସିଲା ମନୋଜ। ସେ ହସରେ କୌଣସି ଭାବର ଝଲକ ନଥିଲା। ତା ମାନେ ତୁ ସତରେ ବତୀଘର ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଧେତ୍, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନମ୍ବର ଡରପୋକ, ହସି ହସି କହିଲା ଅମିତ। ଖାଲି ଯାଇନଥିଲି, ସେଠାରେ ଚାରି ଚାରିଟା ଭୂତ ସହ ଲଢ଼ିକି ଆସିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ଛାତ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ, କଥାବି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏବେ ତୋ କାଗଜ କଳଟା ମୋ ନାମରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମନୋଜକୁ ପଚାର। ମନୋଜ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତା ଚେହେରା ଉପରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ଆଗରୁ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାମାନେ ଏବେ କୂଳକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଧୀବରମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଆସି ବାଲିରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଓ ମାଛ ଗୋଟାଉଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଲୋକ ଗହଳି ତିନି ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷିତ କଲା। ତିନି ଜଣ ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲେ। ଲୋକ ଗହଳି ବହୁତ ଥିଲା। ପୋଲିସର ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିପ୍ ବି ଆସିସାରିଥିଲା। ଆରେ, ସେମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ଚୋର ନା ଡକାୟତ? ଅମିତ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହି କହି ଯାଉଥାଏ। ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ହାବିଲଦାରକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ହାବିଲଦାର ଫୋନ୍ରେ ବିଜି ଥିଲା। ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଅନାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଛାଡ଼, ସେଠାରେ ଗହଳି ଭିତରେ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେହି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଥରୁଟିଏ ବି ବୁଲି ଚାହିଁଲେ ନଥିଲେ। ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ, ଆମେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନା କ'ଣ? ଭଲ ହେଲା ଆଉ। ସେତିକ ବେଳେ ତିନୋଟି ଶବ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁଆ ହୋଇ ଆସିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଧଳା ଚାଦର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଯାଇ ମୁହଁରୁ ଚଦର କାଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ତାଙ୍କରି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା, ଖାଲି ଚେହେରା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ରାଜୁ ଆଉ ଅମିତ ଏସବୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ଏସବୁ କି ପାଲା ଚାଲୁଛି। ମନୋଜ ଏବେ ବି ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସୁଥାଏ। ଏବେ ତାହାର ହସରେ ଅର୍ଥ ଦେଖାଗଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏକ ଲୟରେ ବତୀଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଗଲେ।